केंद्र सरकार का बजट आम जनता के हित का बजट है। इससे देश का समग्र विकास होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बजट में सरकार ने जनता पर कोई नया टैक्स लागू नहीं किया है, बल्कि प्रत्येक विभाग के बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की है। कृषि व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा और किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ये बात सांसद संजय भाटिया ने एक निजी होटल में भारत सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के दृष्टिगत मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भारत सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उससे आम जनता, किसान, मजदूर, व्यापारी व किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि के साथ साथ औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार द्वारा बजट में नए प्रावधान किए गए हैं। इससे बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, गरीब लोगों व श्रमिकों के लिए चलाई जा रही मनरेगा योजना के बजट को भी 2.5 गुना बढ़ाने का काम किया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी बजट में 2 गुना वृद्धि की गई है। सांसद ने कहा कि भारत सरकार के बजट से इस वर्ष सेंसेक्स में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, इसलिए ये बजट बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में बजट के दौरान भारत सरकार ने पहली बार 75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आयकर से मुक्त किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने आम जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, जबकि कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हो गई थी। उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिले तथा अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जाए और राजस्व घाटे को कम किया जाए। इस अवसर पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप, भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, मेयर रेणु बाला गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर व मंडला अध्यक्ष राजेश अग्गी, पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद व अशोक सुखीजा, पूर्व विधायक भगवान दास, कबीरपंथी, राजवीर शर्मा, एडवोकेट जसवाल वर्मा, सुनील गोयल आदि मौजूद रहे। मैं चाहता हूं और इस बात का धन्यवाद कि पूरे 11 बजे आप सब लोग यहां पर पहुंचे। 11 बजे का समय था और आज आपका व्यस्त कार्यक्रम है, उसमें आपने मुझे समय दिया। आज क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में बजट सेशन चल रहा है, उसके बीच में 6 और 7 का आपके बीच में आकर बजट से संबंधित कुछ चर्चा आपसे करनी थी, बाकी जो बातचीत आप करेंगे। इस बार का जो बजट है, आजादी के बाद का सबसे अलग बजट है, अभूतपूर्व बजट है और जिसको कहते हैं साहसिक बजट है। इससे पहले बजट कभी भी बनते थे तो लोक लुभावन, उसमें इनकम का ध्यान रखा नहीं जाता था, रिसीप्ट्स कितनी आ रही हैं उसका ध्यान रखा जाता था, उसी के आधार पे खर्चा किया जाता था। लेकिन ये पहला बजट है जिसके अंदर ऐसी परिस्थितियों में, आप हम सब जानते हैं कि पिछले 1 वर्ष से पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है, कितने ही देशों की इकोनॉमी फेल होगी, लेकिन हम सल्यूट करते हैं अपने इस देश के नेतृत्व को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, इस संकट काल में भी इकॉनमी को जबरदस्त तरीके से संभाल के रखा और इस बजट के अंदर कोई नया कर नहीं लगाया। नहीं तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोविड को लेकर कोई लगेगा या किसी तरह के और टैक्सेस लगेंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगा। और पहली बार ये ऐसा है कि कर्जा लेकर, हम कर्जा लेकर भी खर्च कर रहे हैं ताकि इकॉनमी को बूस्ट मिले और जो हमारी आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बल मिले और एम्प्लॉयमेंट के अवसर अधिक से अधिक उत्पन्न हो। हेल्थ सर्विसेज पर मैं समझता हूं कि 10-20% हर बार बढ़ाया जाता था बजट का एलोकेशन, इस बार पिछली बार से 2.5 गुना ज्यादा, जिसको कहते हैं कि 137% तक का मैक्सिमम बजट ये बढ़ाया गया। और रेल पर, सड़क पर, कृषि पर, उद्योग पर मैक्सिमम खर्चा इस बजट के अंदर किया गया। और विशेष रूप से क्योंकि पंडित दीनदयाल जी की जो अवधारणा हम सबको मिली है, अंत्योदय का सिद्धांत है, SC ST और गरीब और मनरेगा का बजट भी लगभग 1.5 गुना ज़्यादा कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के समय में
हम जो पहली तीन तिमाही थी कोरोना काल में पिछले साल की, हमारी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ -23% हो गई थी, माइनस, ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ, लेकिन आखिरी तीन महीने के अंदर उसको संभाला और वो 3% तक हम माइनस में गए, और जिसका फोकस है आगे बढ़ाने में। और जितना हमारा घाटा था, राजकोषीय घाटा 9.5% तक हम चले गए कोरोना काल के अंदर, जिसको अभी आके कंट्रोल किया, और इस साल का टारगेट है कि इसको 4.5% तक, जो एवरेज रहता था पिछले सालों में, वहां तक लेके आएंगे। और इम्पोर्ट पर लिक्विड पर, शराब पर, इस तरह की चीज़ों पर पहली बार ये सेस लग रहा है, जो किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ का उपलब्ध कराएगा बजट, और उनके फायदे के लिए वो किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो फसलें हमारी, ऐसी 21 फसलें हैं जो खराब हो जाती थी, उन 21 फसलों के लिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रही है। और सुशासन की दृष्टि से, क्योंकि हम समझते हैं कि मैन हैंड इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन जब भी रहती है तो किसी के साथ भेदभाव होता है। ये 1,000 ई मंडियां ये और बनने जा रही हैं, और इनकम टैक्स को फेसलेस किया जा रहा है। फेसलेस के आपको जो जेन्युइन है, आप अपनी रिटर्न भर रहे हैं, उसी को ही मानकर, आधार मानकर, आप किसी अधिकारी के पास ये डिस्क्रिशन नहीं होगी कि आपको आपका केस स्क्रूटनी में लगा दिया जी, आपका केस ऐसा कर दिया है। इस तरह से एक सेटलमेंट अथॉरिटी भी तैयार की जा रही है, जो फेसलेस होगी, आम आदमी को उससे राहत मिलेगी। और किसान हमारे भाई हैं, भाई नहीं है, मैं भी किसान ही हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे पिता 86 साल की आयु में आज खुद अपने हाथ से ही खेती करते हैं। मैं पूरी ईमानदारी और दावे के साथ कह सकता हूँ, हम कहाँ तक सफल होते हैं नहीं होते, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस देश का जो नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो किसान और मजदूर और गरीब का बुरा सोच सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। ये जो कृषि कानून है, आज तक कोई ये समझाने में सफल नहीं हो पा रहा कि इसके अंदर काला क्या है। काला कानून कहकर, नारे लगाकर, आप बताइए कि इसके अंदर क्या है। और जब बार बार हम और सरकार ये बोल रही है कि आप इसमें जो चेंज चाहते हो, ये पेपर मैं आपके हाथ में देता हूँ कि आप इस पे लिख दीजिए, हम इसके अंदर ये चेंज चाहते हैं, वो चेंज हम करने को तैयार हैं। बार बार बोला जा रहा था कि MSP बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मंडियाँ बंद हो जाएंगी। मैं कहता हूँ कि इस बजट के अंदर ही वो देख लें, उनको जवाब मिल गया कि पिछली बार जितना पैसा धान की खरीद और गेहूं की खरीद के लिए पैसा एलोकेट किया गया था, इस बार कई उसमें लगभग 25-30 हज़ार करोड़ का इजाफा करके धान में भी और गेहूं की खरीद में बढ़ाया गया उसका, ताकि रेट भी ज़्यादा मिलेगा MSP, और फसल भी ज़्यादा किसानों से खरीदी जाएगी। ये सीधा सीधा इस बजट के अंदर एलोकेशन से ही पता लग जाता है। और जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, वो एक्चुअल में किसानों का कंधा यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगली राजनीति को देखकर, क्योंकि जितने लोग आज मोदी जी ने इस देश को इतना ताकतवर बना दिया, कितने आप देखिए आज हमारी सेना इतनी मजबूत हो गई है, और इतना मैं समझता हूँ कि वो देशभक्त कौम है हमारे किसान भाई हैं, तो सारी चीज़ को अच्छे से समझ के, तो जो वो अमेंडमेंट्स चाहते हैं वो हर चीज के ऊपर तैयार है। सर्वदलीय सर्वदलीय बैठक हुई, सरकार कह रही है संशोधन करेंगे, लेकिन किसान ये कहते हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी। तो एक बात सुनिए, ये भी पीछे बात हुई, किसानों की ये बात भी मान ली, उन्होंने कहा जी आप इसको 1.5 साल तक के लिए, जो बात मानी जाती है वो सब लोगों के सामने आती है, उसके बाद भी जस का तस वो स्थिति आ जाती है, तो हर चीज मानने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा भाई आप 1.5 साल के लिए इसके लिए रोक लगा देते हैं, वो भी मानने के लिए तैयार हो गए। अगर आप किसी कानून की इम्प्लीमेंट ही नहीं करते तो कानून तो रुक ही गया ना। नहीं, डर के साए में तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जहाँ तक अपनी बात कह सकता हूँ, और आप सब लोग जानते ही हो, मैं तो बिल्कुल ऐसे फ्री माइंड ही घूमता हूँ, और आपने देखा है, मैं मेरी सुनिए देखिए, और मैं तो बिल्कुल वो करता हूँ। दूसरी बात, डर का साया नहीं है। एक बात, मेरा भाई है, और वो उसने जिद बांध ली भाई, मैं नहीं, मैंने गुस्सा कर दिया, तो मैं उस घड़ी को टालता हूँ,
कोई डरता नहीं है, कोई सरकार कभी डरती नहीं। सरकार कौन है? इन किसान भाइयों से मिलकर ही सरकार है, जितने पुलिस कर्मचारी हैं, जवान हैं, उनसे मिलकर ही सरकार है। हम सब लोग पत्रकार बंधु जितने हम सबसे मिल गए आपस में। अगर जैसे घर में भी झगड़ा हो जाए, मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा, तो एक गुस्से में हो तो दूसरा शांत रह जाता है, तो ये उस तरह का शांत है, इसको आप डर नहीं। सर, एक सर्वदलीय बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसपे उन्होंने बाहर आकर कहा कि वे एक कॉल किसानों से दूर है। पीएम मोदी ने ये भाषण दिया, लेकिन अगले ही दिन जो है तीनों बॉर्डर्स पर किले गाड़ दिए गए, कंक्रीट के वॉल बना दिए गए। तो किसान नेताओं ने सवाल पूछा कि वो कोई आतंकवादी नहीं है जो इतने तकड़े इंतजाम वहां पर कर दिए गए? नहीं, ये इसमें मेरी बात सुनो, वो प्रधानमंत्री जी की बात के साथ अब उन किलों को ना जोड़ो। प्रधानमंत्री जी ने तो आज भी वो निरंतर टच में है, किसानों के टच में है, और मैं समझता हूँ किसान संगठनों भी, और विशेष रूप से टिकैत जी ने बोला भी सही कि हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री जी की बात खाली नहीं जाएगी। मैं समझता हूँ, मैं बहुत आशावादी हूँ, मुझे लगता है कि ये कुछ दिन का रूठना है और ये 100% सारी समस्या का सलूशन हो जाएगा, क्योंकि किसान भाई समझ रहे हैं कि इससे असुविधा आम समाज को भी हो रही है। अभी कल आज सुबह ही किसी की हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है, दिल्ली मैक्स से, उनको आने के लिए ही मन में प्रेशर, उन्होंने पानीपत में आना है। तो एक वो किसान भाई भी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ही समस्या का हल हो जाएगा। सिर्फ मैं एक विपक्ष से कहूँगा कि वो अपनी राजनीति चुनाव के समय में कर लें, जब इलेक्शन आएगा। मैं इस बात का जवाब, जब इलेक्शन आएगा उस वक्त आप हमारे खिलाफ वोट मांग लेना, हमें वोट ना डालने देना, वो काम वो कर लेना। लेकिन आज के समय में अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मैं सरकार में हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं कोई गलत फैसला करता हूँ, मैं किसी से गलत व्यवहार करता हूँ, गलत कानून पास करता हूँ, तो एंड रिजल्ट तो वोट में ही आएगा ना अगली बार। कोई भी राजनीतिक दल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हम अपना नुकसान क्यों करने वाले हैं? हम कहते हैं कि हमारे कहने से आप इन कानूनों को लागू होने दो और किसान की आय डबल होने दो, इस चीज़ से डरते हैं। और दूसरी बात, विरोधी यहाँ पे आके किसानों के बीच में कहते हैं कि ये गलत कानून है। अभी कल माननीय कृषि मंत्री जी ने पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर बोला है कि 2007 में खुद भूपेंद्र हुड्डा जी ने इस कानून को लागू करवाया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें तो किसान को सजा तक का और 5,00,000 जुर्माने का प्रावधान था। केंद्र ने तो वो वापस कर दिया। एपीएमसी का कानून कहते हैं गलत है, बाहर एपीएमसी के बाहर, अरे किसान का घर ही मंडी है, किसान की मर्जी है, फालतू रेट मिले तो बाहर मंडी से बाहर भेज रहे। और केंद्र सरकार ने कहा कि हम कोई टैक्स नहीं लेने वाले। आप पंजाब को पूछो ना, पंजाब कितना ज्यादा टैक्स मंडी से बाहर भी वसूल रहा है, और केंद्र सरकार कह रही है कि मंडी से बाहर आप किसान से जो मार्केट कमेटी की फीस है वो मत वसूलो। सर, केंद्र ये कह रहा है, स्टेट ये कह रहा है, फिर हर चीज हम केंद्र स्टेट के ऊपर भी छोड़ने के लिए तैयार है कि स्टेट अपने लेवल पे कुछ चेंजेस करना चाहती है वो भी करने के लिए तैयार हो गए, हर बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो चीजें जिसके पक्ष में पहले बोलते थे, आज किसान यूनियन के प्रधान है टिकैत जी, आज से 2 महीने पहले इसी कानूनों में ये मांग करते थे, आज की नहीं, वर्षों से किसान नेताओं की, किसान यूनियन की ये मांग थी कि आप ये करो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करो। आज जो अमेंडेड, जो बेस्ट एपीएमसी का है, सारी चीजों का, वो कर दिया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा इतना एलोकेट कर दिया इस फील्ड के अंदर। आज मेरी सब्जी खराब हो रही है बिना कोल्ड स्टोरेज के, अगर कोल्ड स्टोरेज मेरे को मिनिमम रेंट के ऊपर मेरी सब्जी रख लेगा 15 दिन के लिए, और वही 15 दिन के बाद थोड़ा सा रेंट पे करने के बाद अगर मेरी सब्जी दुगने तिगने रेंट पे बिकती है तो किसान को क्या नुकसान है? ये एक भ्रमित किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो अपना झूठ अब तक बेचने में सफल है, लेकिन मैं मानता हूं कि अंतिम विजय सच्चाई की होगी। किसानों को भला ही है इस कानून के अंदर, और मैक्सिमम किसानों को ये समझ में आ चुकी है, लेकिन हर कोई झगड़ा टालता है, वोकल होके नहीं बोलता। कितने ही मीडिया चैनल्स ने, कितने ही पत्रकारों ने, एक बात बता दो, किसके अंदर, इस कानून के अंदर आप जो बड़ी से बड़ी सजा मैं लेने के लिए तैयार हूं, कोई लिखा हो इस कानून के अंदर कि मंडी बंद हो जाएगी, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, एमएसपी खत्म हो जाएगी, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, किसान की जमीन चली जाएगी, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कुछ भी नहीं है इस कानून के अंदर। और आप एक बात और देखो, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि बजट सत्र को चलने नहीं दिया जा रहा, कोई क्वेश्चन आवर। इस बार ये मैं आपको, मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन पार्लियामेंट के अंदर, ये डिटेल है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये डिटेल है ऑन रिकॉर्ड,
कि मेरे इस बार अपने लोकसभा क्षेत्र के कितने क्वेश्चन 377 जीरो आवर अनस्टार्ट क्वेश्चन कितने लगे हैं, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट सेशन नहीं चलने दिया। ऐसे ही अनेक लोग अपने अपने क्षेत्रों की बात नहीं रख पाए, ये एक बड़ी गलत बात है। उधर से आप पहले मांग कर रहे थे जब ये आंदोलन चल रहा था कि जल्दी सत्र बुलाया जाए, अब जब सत्र है तो सत्र चलने नहीं दिया जा रहा। ये जो डबल है ना, ड्यूल है अपोजिशन का। और अब आप देखिए, कोई ये नहीं है कि एक ही पार्टी कोई बीजेपी का विरोध करिए, सब पार्टियों का एक कॉमन एजेंडा हो गया कि पहले किसी तरह से मोदी जी को नुकसान करो, फिर आपस में हम बांट लेंगे। पिछले कोई इनाम भी उसके अंदर रखे हैं। सुरजेवाला जी का तो मैं हमेशा बहुत ज्यादा रिगार्ड करता हूं, क्योंकि इसलिए करता हूं कि वाकई में उनका काम बड़ी हिम्मत का काम है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ा, जिनके ऊपर जोक्स बने हैं, ऐसे व्यक्ति का बस्ता उठाकर उसके पक्ष में, राहुल गांधी जी के पक्ष में अपनी बात रखना, लोगों को कन्विंस करना बहुत बड़ी मेहनत का काम है। मैं तो सल्यूट करता हूँ सुरजेवाला। और आजकल वैसे भी सुरजेवाला जी बहुत फुर्सत में है, पहले जींद में गए थे और फिर उसके बाद कैथल अपने क्षेत्र से फ्री हैं और पूरी तरह से इसके फोकस है। और उनकी बातें कितनी अच्छी हैं, कितनी गंभीर हैं, आप सब लोग जानते हैं। अपने आप को ये धरती पुत्र कहते हैं, चाहे सुरजेवाला जी हों चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हों। आज इनकी संपत्तियों की जांच हो जाए, कितना इन्होंने किसानों के हक में कानून बनाए, ये एक वाइट पेपर हमारे सामने रख दें, ये बता दें कि हमने किसानों के हक के ये कानून बनाए थे और वो कानून हमारी सरकार ने वापस लिए हैं, और जो कानून हमने बनाए हैं उनमें ये खामी है, इसके ऊपर अगर थोड़ा ध्यान कर लें तो ज्यादा उनका ज्यादा रहेगा, ज्यादा आरएसएस और ये उसमें जाने की उनको मेरे ख्याल मेहनत करने की जरूरत नहीं। उन्होंने किसानों के लिए जो कुछ किया वो ज्यादा बता करके उन घोटालों घपलों में ये फंसे हुए हैं। आज ये मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, उन कानूनों को गलत बता रहे हैं जिन कानूनों के लिए ये बात करा करते थे, जिन कानूनों के लिए ये कमेटी बनाकर अपनी रिकमेंडेशन दिया करते थे, करा कुछ नहीं। आज बीजेपी ने कर दिया, इनके पेट के अंदर दर्द है। ये एक बार नहीं 10 बार इकट्ठे हो जाए, आज जनता इनको 2 चुनाव के अंदर अच्छी तरह सबक दे चुकी है और अगले में भी आप देखना 100% अगर ये वोट की राजनीति करें। हम तो कहते हैं कि पॉलिटिकली लाभ हानि से ऊपर उठकर समाज का भला होना चाहिए। जब तक अभी तक हमारे जो बजट के अंदर 60% एग्रीकल्चर क्षेत्र का योगदान है, ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जल्द ही इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर कंट्री को ले जा रहे हैं। अगर ये हमारा कोरोना काल ना होता जिसमें हमें काफ़ी हुआ, हालांकि पिछली बार से बजट का फिर भी बढ़ाया गया, और अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का उनका जो सपना है वो किसान की इनकम बढ़े बिना सफल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं, सबने कहा कि मोदी जी के कृषि कानून जो आए हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और मोदी जी ने जो इस बार का बजट लाया वो वर्ल्ड क्लास बजट लाया है कि एक कोई लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ये कर दिया वो कर दिया, उस तरह का बजट नहीं है जो एक्चुअल में इस इकोनॉमी को बूस्ट और स्ट्रांग करने वाला है, जो देश को आगे बढ़ाने वाला है, ये वो वाला। 750 सिलेंडर हुआ था तो हमने, आपने कहा कि अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। मैं भाई को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, क्या उज्ज्वला योजना के तहत उस समय 8 करोड़ सिलेंडर लोगों को फ्री दिए गए थे गरीब लोगों को? क्या अभी इस बजट के अंदर 1 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शंस और एलोकेट किए गए, वो दिए गए थे क्या? आज इतने जो जन के लोगों की जेब से सर, लोग मेरी आप सुनिए, हम दो भाई हैं आप और मैं, आपके घर खाने को रोटी नहीं है, अगर मेरे से 2 रोटी लेकर आपको 2 रोटी दे दी, ये न्याय है? ये अंत्योदय की कल्पना को साकार करना है कि नहीं है? या वो भूखा बैठा रहे, इसके 2 रुपए कम कर, इसकी 2 रोटी कम कर दी, अरे 2 रोटी कम करके आपको दे दी, इस तरह जन कल्याण की आप मुझे पहले बता दीजिए कांग्रेस के समय में कौन सी योजनाएं थी, आज कितने गुना कितने परसेंट उन चीजों को बढ़ा दिया गया। आने वाले समय में और रेट बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हर चीज डिजिटलाइजेशन की है, पहले पेंशन बंटती थी आदि, एक सेकंड, आज मेरे तू जवाबी वीरा बुला देते हैं, अभी मैं क्या कह रहा था आप, अभी हाँ, जो पहले पेंशन, हाँ जो पेंशन वो तो हो गया, जो पेंशन बंटती थी या जितने ये स्कूलों को बच्चों को
कोई सुविधाएं मिलती थी, जिस तरह की सरकारी योजनाएं सुविधाएं थी, जैसे एक समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 15 पैसे ही आखिरी आदमी तक, एंड यूज़र तक, जिस तक पहुंचना चाहिए 15% पहुँचता है, 85% बीच में नेता अधिकारी इस तरह के खा जाते, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था, मुझे आज भी याद है। लेकिन आज मोदी जी ने उस 1 रुपये को सीधा 1 रुपये जेब में पहुँचाया, बैंक के माध्यम से डिजिटलाइजेशन किया, 1 रुपये सारे चालू कर देते हैं, फिर उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर देखना आपका काम है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के निर्णय हैं, तो वो सरकार ने देखना है कि किसी तरह की अफवाहों का फैलाव ना हो। इंटरनेट किसी के विरोध में नहीं है, ये अफवाहों का फैलाव ना हो। एक इतना उबाल आया हुआ है, इतना गुस्सा आया हुआ है, और एक झूठी खबर आ जाए कि फलानी जगह पर फलाना ये घटना घट गई, उसी वो घटना ना घटी हो और उस घटना के उबाल में 10 जगह और उसका इम्पैक्ट आ जाए उस घटना का, उस सोच के किया जाता है। हर चीज़ को मैं कहता हूँ शक की नज़र से ना देखो, हर चीज़ को बुराई के चश्मे से ना देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये घड़ी टल जाए, ये संकट टल जाए। एक तो अभी हम कोरोना के संकट से निकले हैं, आगे ये एक और नया संकट आ जाए। ये लगता है कि कब तक आपके खुले दरबार देंगे? मैं, मेरी सुनिए सुनिए, पहली बार मैं हर प्रेस के अंदर, एक तो ये दरबार शब्द मेरे नाम के साथ मत जोड़ो, ना मैंने दरबार लगाया ना मैं दरबार लगाऊंगा। दरबार किस बात का, कोई राजे महाराजे हैं जो दरबार लगे? जन समस्या, जन संवाद है, जन संवाद है, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, जन संवाद है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, उस समय जब जन संवाद के कार्यक्रम चल रहे थे, यही सोशल मीडिया में कोरोना के कारण मेरी आलोचना भी काफ़ी हुई, मेरी नाराजगी भी हुई, मेरे को शिकायत भी हुई कि संजय जी कोई ध्यान नहीं रखते, इतने ज़्यादा लोग उसके अंदर आते थे, आप खुद भी देखते हैं। हाँ, मैं वही कोरोना काल के अंदर अभी। और दूसरा, एक बात आपकी बिल्कुल सही है, संगठन का एक संस्कारी कार्यकर्ता होने के नाते जितनी भी सड़कें हैं, जितनी बनाई जा रही हैं, वो टूटती जा रही हैं। आज से 1 साल पहले भी आपसे सवाल किया था, आपने कहा था जांच करवाएंगे, कोई जांच नहीं। मैंने तो कोई ऐसा नहीं कहा होगा, यहाँ पे बैठे हैं मेयर जी, अगर कोई ऐसी कोई है, आपने पिछले साल भी 12 सड़कें पहले दिन ही आपको दी थी, लेकिन आज नहीं, 12 सड़कें आपने मुझे दी थी? हाँ, आपके आपको ही दी थी। नहीं नहीं वीर जी, नको मीडिया देख के तुम सही सही बोलो, 12। अच्छा, वो 12 सड़कें जी तुम दी है, थोड़े को इस टाइम भी देओ, एक कॉपी उन्हें सेंड करो, ले आओ उन्हें दिखाओ। हाले आज तो पहले तो नहीं देती है, लेकिन भाटिया जी, आप जनता से जुड़ा मुद्दा है, लोगों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, जब वो कॉलोनी में जगह लेते हैं, बकायदा रजिस्ट्री तहसीलदार करो, 10 जगह रजिस्ट्री चेक होकर तब आखिरी साइन। किसी तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई आज तक, जो अवैध रजिस्ट्री अगर फिर पहले लेते हैं, कल भी करनाल में काफी हंगामा हुआ, एक कॉलोनी के अवैध कॉलोनी की लिस्ट में भी नहीं है, वहां व्यापारियों के गोदाम तोड़ दिए गए, और बाद में अगर सिफारिश पहुंची, बीजेपी की पार्षद पहुंची, तो 80% तोड़कर डीटीपी साहब। वैसे ये ना, मैं आपको, आप वैसे इसको मीडिया के ऑफ भी बात कर लेते ज्यादा, मैं इसकी बहुत जानकारी रखता हूँ जी। जो रजिस्ट्री हुई रिवेन्यू एक्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी भी सेल डीड को करने से कोई भी तहसीलदार मना नहीं कर सकता, ये मैं आपको एक्ट में बता रहा हूँ। और जब रजिस्ट्री होती है, कभी भी प्लाट की रजिस्ट्री नहीं होती, कभी भी कुछ कॉलोनी के प्लाट के नाम से रजिस्ट्री नहीं होती, जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनके नहीं, कृषि के नाम से होती है जी, कृषि भूमि इतने बटा इतने का भाग, अगर टोटल 10 एकड़ जगह है उसका इतने बड़ा इतने भाग की रजिस्ट्री होती है, जितनी भी आप रजिस्ट्री। लोगों का कहना है कि जब बन रहा होता है तब क्यों नहीं आते? अरे बने हुए पे भी जाते होंगे, बने हुए भी जाते होंगे। आप एक बात बताइए लोगों को, आपको क्या लगता है, मैं भी हूँ कि अगर मैं अनऑथराइज कॉलोनी में प्लाट ले रहा हूँ या ऑथराइज में ले रहा हूँ, क्या आपको लगता है प्लाट लेने वाले को जानकारी नहीं है? अवैध कॉलोनी एक राइस शहर में अगर 150 रजिस्ट्री सर, आप अगर आप सुनो, अगर कोई नई कॉलोनी कटी हुई को भी आप चाहते हो कि वो अनप्लैंड डेवलप होनी चाहिए, आपका कहना ये है क्या? जो डेवलप हो चुकी है, एक कल डेवलप कॉलोनी थी, सड़कें अच्छी बनी हुई थी, लेकिन उस पूरी कॉलोनी पर सड़कें सरकारी बनी हुई थी, नहीं वहाँ पर अपनी बनी हुई थी, फिर अपनी बनी, अपनी अपनी बनी हुई को आप अपने इलाकों में पहुंच सर, आप फिर बिजली का कनेक्शन कैसे सर, 10 एकड़ से 100 गज का प्लांट आ गया टॉम के सर, आप बिजली का कनेक्शन बंद करवाना चाहते हैं? नहीं सर, आप बिजली का कनेक्शन बंद करवाना चाहते हैं, पानी के कनेक्शन? देखिए आप प्रश्न का, उपल जी प्रश्न का उत्तर ले लो, आप मेरे ख्याल बहस ना करें, प्रश्न का उत्तर ले लो, प्रश्न का उत्तर ले लो मेरे वीर जी, प्रश्न का उत्तर ले लो, मैं देना चाहना तो उसी पूरा तो होने दो, मैं देना चाहना, जो मुझे कानून की नॉलेज है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ।
यहाँ कौन सी कॉलोनी टूटी है, यहाँ कौन सी कॉलोनी पे कार्रवाई होने वाली है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ मुझे पता नहीं है। मैं आपसे एक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, एक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। जो आप बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, ये एक बेसिक है, जीवन है। वो मकान उसका ठीक बना गलत बना उसको नहीं रोकना चाहिए, उसकी रजिस्ट्री ठीक हुई गलत हुई उसको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन न्यूली डेवलप कॉलोनी रोज ही आप अनप्लैंड करने से, अब मेरी सुनो, अनप्लैंड कॉलोनी है, कॉलोनाइजर ने अपने फायदे के लिए 10 फुट की गली छोड़ दी, और 10 फुट की गली के अंदर, भाई साहब 2 मिनट, 10 फुट की गली के अंदर आपने मकान बना लिया, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ फायर, क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस गली के अंदर घुस पाएगी? आप 10 फुट की गली छोड़ते हैं, 6-6 फुट के रैंप बना लेते हैं आदमी का निकलने का, हमें जीवन सर ऐसी ही कॉलोनी को बीजेपी सरकार ने फिर अप्रूव कैसे कर दिया सर? एक जो पहले से उसमें उसमें देखिए ऊपर आप लोग अप्रूव करते हैं, उसका जवाब देता हूं, उसका जवाब देता हूं, उसका जवाब देता हूं। जब सर मैं बता रहा हूं आपको, जब सर आप अभी अभी उनका जवाब दे दूंगा, नहीं तो उनकी अवमानना हो जाएगी, अगर उनका जवाब ना दिया तो अवमानना हो जाएगी। आप ही सुनो, अगर मोर देन 50% कंस्ट्रक्शन होगी और सरकार ने कहा कि अब लोग बस चुके हैं, अब सारे सबको तोड़ें क्या, उजाड़ दें क्या, जब एक लोगों की मांग आई कि एक नई डेवलप ना होने दो आप, तब आप लोग ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करते हो कि नई डेवलप मत होने दो, जो पुरानी है अब इनको रेगुलराइज कर दो। वो पुरानी रेगुलराइज हो गई क्या, वो गलत हुई क्या? वो पुरानी रेगुलराइज भी एक समाज की इच्छा थी, मांग थी, इसलिए की। सर एक आखिरी सवाल है, उसके बाद किसी का सवाल है ना, आखिरी सवाल, आज आखिरी बताओ। हाँ जी, आज तक एक भी कॉलोनी जिस पे पीला पंजा चला और वो डेवलप ना हुई हो, इसका रिकॉर्ड आप मीडिया को बता के प्रशासन को दे कि जहां पर पीला पंजा चला था उसके बाद आपने वो बनने नहीं दी, उसके बाद वहां पे और ज्यादा प्लाट बिकते हैं। सर एक बात सुनो, कानून अब आग एक उना उन इसी के साथ, इसी के साथ है सर। चलो कट्ठे कर लो फिर सारे। हाँ सर, वो ये है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां कटी हैं उनके बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक भी बंदा अरेस्ट नहीं हुआ आज तक। और कॉलोनाइजरों का माने कहते हैं एक दो जगह पीला पंजा चल जाए हमारे लिए काला टीका साबित होता है, क्योंकि एक दो जगह तो आपकी मेरे ख्याल बहुत बातचीत, अनऑथराइज जो अवैध कॉलोनाइजर है उनके साथ बहुत बातचीत होती है सर, लोगों से, इनको काले टीके वाला भी पता है, मतलब खूब मेल जोल है, नहीं होते खुद कह रहे हैं खूब। अरे सुनो सुनो भाई साहब, देखो कानून एक, आप देखो आप भाई की तरह बात कर रहा हूं मैं, कानून प्रेशर करने के लिए, आगे गलती ना हो उसके लिए बनाए भी जाते हैं, दबाव बनाने के लिए बनाए जाते हैं। उस कानून को लोग उस बात से डरें कि यार ये मेरा बना बनाया मकान का नुकसान हो जाएगा, एक दो एग्जांपल सेट होते हैं क्या, 100 के 100, 50 के 50, हमें तकलीफ नहीं है क्या? किसी का मकान गिरता है उसकी जीवन की गाढ़े खून पसीने की कमाई है, लेकिन आगे उस पर रोक कैसे लगे, ये सिर्फ वो एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। हम सब अनऑथराइज एरिया डेवलप कराने के हक में है या विरोध में, ये बताओ। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई कॉलोनी कटी है, आपने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री नहीं, आप सब लोग अनऑथराइज एरिया डेवलप कराने के पक्ष में, जब बनाने जाते तब रोका जाए। अच्छा सर सुनो सुनो, अच्छा सुनो, बनाने के लिए रोकने के लिए गिराने के प्रोसेस के अंदर मान लो 2 दिन 4 दिन 5 दिन लग गए, तो अनु ये पता है 2-4-5 दिन अगला लंटर लुंटर पा गए ते सफेदी करके अपना पार कर दिया काम नु, आपके सामने ही है। एक एक साल बाद और सुनो एक एक साल बाद है तो मैं क्या। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.